आपका पहली बार ट्रेन से जर्नी है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में सारा चीज़ मैं बताने वाला आपको ए टू जेड प्रोसेस की, कैसे जो है कि आपको जो है कि अपने ट्रेन में सफ़र करना और कौन सी बोगी आपका है और उसके उस बोगी में आपका कौन सा सीट नंबर है तो इसको कैसे पता करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन में इस तरह से होता है, बोगी संख्या दिया हुआ रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ S4 लिखा हुआ है, किसी में S3 रहता है, A2 रहता है, B1 रहता है, ऐसा रहता है। इसमें S3 है, इसमें देखिए A2 लिखा हुआ है। तो हर एक बोगी जो होता है अलग अलग नेम से रहता है, तो इसमें कैसे पता करना कि आपका कौन सा बोगी है, और उसमें बोगी अगर पता चल जाता है उसमें सीट भी पता करना कि कौन सी सीट है, तो वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताना होगा पूरा फुल प्रोसेस कैसे करना है। सो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक टिकट है जो कि काउंटर टिकट है। तो आपके पास अगर काउंटर टिकट होगा तो कुछ इस तरह से होगा, और अगर आपका जो ऑनलाइन टिकट होगा तो ऑनलाइन टिकट भी मैं उस पर भी आपको बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। तो अभी पहले काउंटर वाला देख लीजिए, उसके बाद मैं ऑनलाइन वाला भी आपको समझा दूंगा। सो आपका अगर काउंटर टिकट होगा, काउंटर टिकट में कुछ इस तरह से जो होगा कि आपका टिकट दिया होगा, और उसके नीचे आपको सबसे पहले दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है और कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा कोच, लिखा होगा कोच लिखा हुआ ये, और उसी का जस्ट नीचे देखिएगा, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ A2, हो सकता है यहाँ पे B1 भी लिखा हो सकता है, B2 भी लिखा हो सकता है, S4 भी लिखा हो सकता है, D1 भी हो सकता है। सो ये होता है बुकिंग के अनुसार कि कौन सा आपका AC बोगी का बुकिंग है, स्लीपर का है या नॉन AC का है, तो उसी अनुसार यहाँ पर दिया जाता है। तो इस चीज़ में आपको कोच के नीचे जस्ट जो है यहाँ पर देखना है क्या लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर A2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया कि आपका बोगी संख्या होगा A2 हो गया। उसके बाद इसके बगल में देखिए सीट लिखा हुआ, तो कौन सी है, देखिए 19 लिखा हुआ यानी कि 19 नंबर आपका सीट है, यहाँ 20 लिखा हुआ यानी कि 20 नंबर आपका सीट है। तो इस बोगी में जाएंगे A2 में तो आपका 20 नंबर 19 नंबर वो जो है आपका सीट नंबर होगा, वहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो सीट नंबर वो हो गया। और उसके साइड में अब देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, LB लिखा हुआ है, UB लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, MB भी लिखा हुआ आ सकता है। LB का मतलब होता है लोअर बर्थ होता है, UB का मतलब अपर बर्थ होता है, MB का मतलब मिडिल बर्थ होता है, SU का मतलब होता है साइड अपर बर्थ। जैसे कि ट्रेन में होता है एक साइड जो विंडो साइड में होता है उसमें होता है SU लिखा हुआ साइड अपर, और वैसे ही होगा साइड लोअर, SL लिखा हुआ साइड लोअर होगा। तो इस चीज़ को आपको देखना है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि सबसे पहला मेन चीज़ आपका क्या कहा है यहाँ पर कोच देखना है, कौन सी कोच है और उसके बाद कौन सा सीट नंबर, ये चीज़ कोच नंबर समझ जाएंगे, सीट नंबर अगर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है कि आप उस सीट में ये वाला जो है इस चीज़ पे आप आ जाएंगे। ये तो हो गया आपका अगर काउंटर टिकट है तो, और ऑनलाइन टिकट है तो उसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन में कैसे समझना है कि आपका यहाँ पे क्या आपका बोगी संख्या क्या है, तो चलिए मैं उसको भी समझा देता हूँ। तो जब आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो जो कि आपको दो ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, पहला होगा यहाँ पर बुकिंग स्टेटस, जो कि जिस समय आप बुक किए थे वो स्टेटस शो करता है। तो इस चीज़ को जो है कि एकदम आपको भूल जाना है, इस चीज़ को नहीं देखना है, आपको देखना क्या है यहाँ पे लिखा हुआ करंट स्टेटस। यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस जो है ना ये वाला, इसको आपको देखना है क्योंकि इसी में आपका मेन चीज़ है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इस वाले बुकिंग स्टेटस को भूल जाना है, क्योंकि इसमें जो है जब आप बुक करेंगे तो उस समय हो सकता है कि आपका वेटिंग लिस्ट में भी टिकट होगा, बुक करते होंगे वेटिंग लिस्ट 10, 20, 50 ऐसा रहता है। लेकिन करंट स्टेटस जो होता है, जो कि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद ट्रेन खुलने से पहले जो होता है चार्ट प्रिपेयर होता है, तो उस समय आपको बताता है कि आपका स्टेटस क्या है, कन्फर्म हुआ कि नहीं, कन्फर्म हुआ तो कौन सा सीट हुआ, कौन सी बोगी हुआ, यहाँ पर बताता है। इसलिए आपको क्या करना है, जाने से पहले आपको यहाँ पे करंट स्टेटस चेक कर लेना, देखना है कि क्या है आपका। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ CNF, यानी कि मतलब होगा कि कंफर्म आपका टिकट कंफर्म होगा। तो ये जो है A1 जो लिखा हुआ यहाँ पे, ये A1 जो लिखा हुआ ये हो गया आपका बोगी संख्या। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ, 22 लिखा हुआ, यानी कि ये हो गया आपका जो है कि ये जो है सीट है, कौन सी सीट है, 20 नंबर सीट है और 22 नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपर लिखा हुआ, इसमें भी अपर लिखा हुआ, यहाँ पे लोअर भी लिख सकता है, जैसे कि MU बताए थे, SU बताए थे, उसी तरह से यहाँ पे अपर बर्थ भी लिख सकता है, लोअर बर्थ लिख सकता है, साइड अपर लिख सकता है। तो हर एक टिकट में अलग अलग चीज़ दिया जाता है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर देख लेना, इतना आपको यहाँ पर समझ लेना। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि कैसे जो है कि अपना जो है कि बोगी देखना है, कौन सी आपका ट्रेन में जो है कौन सा आपका जो है कि बोगी और कौन सी सीट है, यहाँ से आपको समझ लेना। उसके बाद आपको अब सर्च करना है, यहाँ पर खोजना है स्टेशन पर जाकर कि इस ट्रेन में जो हमारा बोगी कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्ले स्टोर पर। सो अभी मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर आना और यहाँ पर सर्च करना है वेयर इज माई ट्रेन, लिख के आपको सिंपल सर्च करना है।
वेर इज माई ट्रेन लिखे जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आएगा आपका वेयर इज माई ट्रेन आएगा, तो इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जब पहली बार आप ओपन करेंगे इसको तो कुछ अलाउन परमिशन होगा, तो अलाउन परमिशन आपको कर देना है। करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर देख लेना है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, टिकट है आपके पास तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेन नंबर डाल के ही आपको यहाँ पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो सर तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं ट्रेन नंबर डाल के, क्योंकि हमारे पास ट्रेन नंबर यहाँ पर है मौजूद है, तो यहाँ पर ट्रेन नंबर डाल के उसके बाद सर्च करके आपको दिखाता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप हमारा ट्रेन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 1292 ये ट्रेन नंबर है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपको देख लेना कौन सी बोगी, देखिए 8A1 है और सीट नंबर 20 है। यहाँ पे सर्च करता हूँ 1292 मेरा ट्रेन नंबर था, तो 1292 मैं यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैं सर्च कर लिया। देखिए जैसे मैं सर्च किया यहाँ पे आ चुका है ट्रेन, और इसका लाइव लोकेशन भी यहाँ पे आपको शो करते रहेगा। एक चीज़ होगा यहाँ पे देखिए सीट है, एक बंदा बैठा हुआ है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे देख लेना है, ये वाला इसको देखना है। और इस पर सिंपल जो है आपको क्लिक करना है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पर शो करेगा, देखिए ये इंजन शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रोल करके है इधर उधर करके जो है कि आप इसको भगा सकते हैं, भगा कर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ से जैसे स्क्रोल कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे शो करने लगा, तो हमारा क्या था A1 था, तो इसमें आपको देखना है A1 किधर है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि है यहाँ पे है A1 यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और इसके बगल में है B7, इस GS है। तो अगर कहीं पे भी आप खड़ा भी रहेंगे तो सिंपल आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को खोलना है, और मान लीजिए आप जहाँ पे खड़ा है उसके सामने ही आपका जो कि बोगी संख्या S8 आ रहा है, मान लीजिए कि S8 आ गया आपके सामने। तो आपको कैसे पता करना है कि जो है कि हमारा जो है कि A1 कहाँ पे है, तो एक साइड इधर देख लेना, एक साइड इधर देख लेना, दोनों साइड देख लेना कि बोगी संख्या क्या आ रहा है। तो S8 के साइड में इस साइड में है S7 आ रहा है, और इस साइड में है B1 आ रहा है। और वही चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है इसमें एप्लीकेशन में कि B1 के बाद ही इधर आ रहा है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर देख लेना। तो यानी कि आगे तरफ चले जाना है आपको, और यहाँ पर A1 है, तो मैं A1 पर आपको क्लिक कर दिखाता हूँ। A1 पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर देखना है कि सीट नंबर क्या है 20, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 20 था और 22 था। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर भी यहाँ पे देखिए अपर लिखा हुआ है, 22 नंबर पर भी यहाँ पे अपर लिखा हुआ है। सो इस तरह से जो है कि आप जो है कि बिल्कुल आसानी से सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ट्रेन नंबर कौन सी है और कौन सी बोगी है और कहाँ पर आपका सीट है, सारा चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं। सो गाइस आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, ताकि आने वाले सारा वीडियो आप लोग सबसे पहले।